प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी कारक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक के बारे में जानते हैं। कर्ता कारक क्या है, कहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है, इसे आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझें। कर्तृकारकम अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा कुटीरे व सत्यस्मा, सज्जना सत्य मार्गम न त्यजन्ति, सत्पुरुषः सर्वविधम सहयोगम करोति, तो सुंदरम गृहम अपश्यताम, नदी वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति। तो यहाँ पे महात्मा, सज्जना, सत्पुरुषः, तो नदी, कृषका, ये सब कर्ता कारक हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे महात्मा कुटीरे व सत्यस्म, महात्मा ने कुटिया में निवास किया। कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति, कृषक लोग क्षेत्र का सिंचन करते हैं, सिंचाई करते हैं। आगे चलते हैं। कुटीरे कह व सत्यस्म, कुटिया में कौन रहता है? महात्मा। के सत्य मार्गम न त्यजन्ति, कौन सत्य मार्ग को नहीं छोड़ता? सज्जना। कह सर्वविधम सहयोगम करोति, कौन हर प्रकार से हमारी सहायता करता है? सत्पुरुषः। कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, किन दोनों के द्वारा सुंदर घर को देखा गया? तो वे दोनों के द्वारा सुंदर घर को देखा गया। का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, वसुंधरा का, पृथ्वी का सौंदर्य सुंदरता क्या है? किस क्षेत्राणि सिंचन्ति, किसके द्वारा क्षेत्रों की सिंचाई होती है या की जाती है? यहाँ पर प्रश्न है कह के को का, ये सब संबंध प्रश्न है, मतलब किसी से संबंध रखते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि क्रियायाः, इन प्रश्नों के उत्तर क्रिया में, जैसे वसति, करोति, अस्ति, अपश्यताम। वसति मतलब रहता है, करोति करता है, अस्ति है, अपश्यताम। अपश्यता मतलब देखा। कर्तृरूपेण कर्ता संति मतलब कर्तृरूप, कर्ता के रूप में किया गया है, अर्थात क्रियाम कह अथवा का करोति, अर्थात क्रिया को कह मतलब कौन अथवा का, किसके द्वारा किया जा रहा है? यह क्रियाम करोति सह कर्ता भवति, जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं। तत्र कर्ता कारकम होती, वहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग होता है, और उस कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। आगे चलते हैं कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप सभी ध्यान से सुनिए। यदा क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रियाम करोति, जब क्रिया होता है या कर्ता किसी भी क्रिया को करता है, तदा किमपि कार्यम भवति, तब कोई भी काम होता है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गायकः किम करोति, गायक क्या करता है? गायकः गीतम गायति, गायक गीत को गाता है। लेखकः किं करोति, लेखक क्या करता है? लेखकः लेखं लिखति, लेखक लेख को लिखता है। रामः किं करोति, राम क्या करता है? रामः वस्त्रं धारयति, राम वस्त्र को पहनता है। सीता किं करोति, सीता क्या करती है? सीता पुस्तकं पठति, सीता पुस्तक को पढ़ती है।
कवि किम करोति, कवि कविताम रचयति, कवि कविता की रचना करता है। अम्बा किम करोति, अम्बा भोजनम पचति, माँ क्या कर रही है या क्या करती है, तो माँ भोजन को पकाती है। यहाँ पर गीतम लेखम वस्त्रम पुस्तकम कविताम भोजनम इति कर्म का कर्मस्ति। इति प्रश्ना नाम यानि उत्तराणि सन्ति। इन प्रश्नों के जो भी उत्तर हैं तानि कर्म कारकाणि सन्ति, वे सभी कर्म कारक हैं। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। बालाह उद्यानम पसंति, बालक लोग उद्यान को देखते हैं, बगीचा को देखते हैं। तो किसको देखते हैं, जिसको देखते हैं उसमें द्वितीया विभक्ति। तो उद्यान को देखते हैं तो उद्यानम, छात्रे पाठम पठति, जिसको पढ़ते हैं तो पाठ को पढ़ते हैं, तो पाठम। गुरु शिष्यान आह्वयते, गुरु शिष्य को बुलाता है। किसको बुला रहा है गुरु, शिष्य को। तो शिष्य में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। ध्यान देने योग्य बातें क्या है, यदा विभक्ति प्रयोग कारकाधारितम न भवति। जब विभक्ति का प्रयोग कारक के आधार पर नहीं होता है, लेकिन कसचित शब्द से योगी होती, लेकिन किसी शब्द के साथ होता है, तदा तत्र उपपद विभक्ति होती, तब वहां पे उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उभयतः, अभितः, परितः, बिना, प्रति, इन शब्दों के साथ उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और इन शब्दों के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे आप देखें उदाहरण, छात्र पुस्तकम बिना न पठती, तो यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग कारक के आधार पे नहीं है, लेकिन बिना शब्द लगा है, तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा कर्म कारक का। आगे चलते हैं। छात्राः गृहं प्रति धावन्ति, छात्र लोग जो हैं गृहं प्रति धावन्ति, घर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए जहाँ पे जाया जाए वहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो घर को जा रहे हैं तो घर में द्वितीय विभक्ति लगा, तो घर का द्वितीय विभक्ति गृहं हो गया। उसी प्रकार आगे पुत्र अम्बाम प्रति अधावत, पुत्र माँ की ओर दौड़ा, तो अम्बा में द्वितीय विभक्ति लगा तो अम्बाम बना। तो प्यारे बच्चों, कर्म कारक के बारे में भी आप सभी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कर्म कारक का प्रयोग और कहाँ पे होता है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग, एवमेव उसी प्रकार रक्ष धातु प्रयोगे अपि यस्य रक्षा क्रियते तस्य अर्थवाची शब्दे द्वितीया भवति। रक्ष धातु के साथ भी जिसकी रक्षा की जाए वहाँ पे अर्थवाची शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक लोग देश की रक्षा करते हैं, तो किसकी रक्षा की जा रही है, देश की। तो देश में द्वितीय विभक्ति। जनाः पर्यावरणम् रक्षेयुः, मनुष्य के द्वारा पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए, किसकी रक्षा की जानी चाहिए, किसकी रक्षा की जा रही है, पर्यावरण की, तो पर्यावरण में द्वितीय विभक्ति। हरिश्चंद्र धर्मम् अरक्षत, हरिश्चंद्र ने किसकी रक्षा की, धर्म की रक्षा की, तो यहाँ पे धर्म में द्वितीय विभक्ति। तो प्यारे बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे कर्म कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। करण कारकम तृतीया विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप सभी ध्यान से सुने। करण
और समझे। काकः मृत्तिकया गृहं निर्मितवान्, चटका त्रिणैः स्वगृहं निर्मितवती, उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, आनंदेन भोजनं करोतु। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर लिखिते सुवाक्येषु स्थूल पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। ऊपर लिखे वाक्य में जो स्थूल पद है वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे काकः मृत्तिकया, कवे ने मिट्टी से घर बनाया, गृहम निर्मितवान। चटका त्रिणैः स्वगृहम निर्मितवती, गौरैया ने तृण से घास से अपना घर बनाया। तो मृत्तिका त्रिणैः सुखेन आनंदेन, इन सारे शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, नरः परिश्रमेण कार्यम करोति, मनुष्य परिश्रम से काम करता है। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाए वहाँ पे तृतीया विभक्ति लगती है। तो परिश्रम से काम करता है, परिश्रम के द्वारा, तो परिश्रम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे भी हम देखेंगे, कलमेन छुरिकया शस्त्रेण पात्रेण हलेन परिश्रमेण विना क्रिया संपन्ना न भवति, इन सारी चीज़ों के बिना काम नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं हो रहा है। एन साधनेन क्रिया सिद्ध्यति तत्करण कार्यक्रम भवति, जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होता है, कार्य किया जाता है, वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आप सभी करण कारक तृतीया विभक्ति के बारे में समझ गए। इसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही।